खबर रोहतास जिला से है, जहां गया DDU मुगलसराय रेलखंड के पहलेचा रेलवे स्टेशन के पास बने रेड पॉइंट माल गोदाम पर कार्यरत मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों का कहना है कि उन लोगों को मानक से कम मजदूरी दी जा रही है, साथ ही बकाया मजदूरी की राशि का दो दो महीना से भुगतान नहीं हुआ। क्योंकि पर्व त्यौहार का समय है, ऐसे में मजदूरी का बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। मजदूरों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पॉइंट पर माल ढुलाई करने वाले मजदूरों का ठेकेदार उन लोगों के साथ मनमानी कर रहा था, साथ ही रेलवे के अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रति बोरा माल ढुलाई में कटौती किया जा रहा है। मालगाड़ी से उतारने के लिए प्रति बोरी 4 रुपये का भुगतान देना है, जबकि मात्र 3 रुपया ही दिया जा रहा है। वहीं इसका विरोध करने वाले मजदूरों का नाम काटकर उसे काम पर से हटा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मजदूरों का शोषण हो रहा है। बता दें कि पहलेजा के रेलवे के रेड पॉइंट पर प्रतिदिन 2 से 4 मालगाड़ियां लोड तथा अपलोड होती हैं। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। पर कहता है कि हमको तुम लोग बैठाया है, अब इनको क्यों मेट बना दिया सर? हम लोग गरीब आदमी सर, बाल बच्चा खेले बिना मर रहा है। मिला है बताइए कैसे चलेगा हाल रोज, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यही दिक्कत है हमारा। बोल रहा है कि नाम काट के हटा देंगे तुमको अगर ज्यादा बोलेगा तो पैसा।